अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आज नया ब्लॉग बना रहा हूँ मैं। ये ब्लॉग वो भर भरे का जो मैंने बेचने मेरे वीडियो इस पर डाला था, वीडियो पे मैंने बेचने के लिए तो बिक तो गया था, लेकिन जिसका जो मालिक था उसने भी मना कर दिया बेचने से, क्योंकि उसका लड़का रो रहा था कि अब्बा के मत बेचो इसको, मेरे को उसको पालना है। तो उसने अभी सामने वाले को रिक्वेस्ट किया तो सामने वाले बोले कोई बात नहीं, बच्चे से बढ़कर नहीं है, तो उसने वो सौदा कैंसिल कर दिया। तो कल वो भर भर आया था तो मैं बताऊंगा उसने क्या बात हुई क्या नहीं। ये वही भर भरा है जो मैं वीडियो डाला था इसकी बेचने के लिए, ये बिक भी गया था, उसने बयाना भी दिया था बेचारे ने, फिर अचानक भी दूसरे दिन उसने मना किया कि अब नहीं बेचना है। तो ये मोइन क्यों उसको मना किया बेचने? इस पर दिल आ गया तेरा? अपने से क्या सेट हो गया? हाँ, तो क्या करे, आते साल तक रखेगा इसको? उसके बाद कुर्बानी करेगा? ऐसा पक्का इरादा नहीं, कुछ भी कर सकते हैं, बेचना तो बेच भी सकते हैं, है ना? तो इसके भी बाल उतारने वाला था, उतारा नहीं। अभी वो भाई बोले वो थोड़ा बिजी रहे तो उन लोग पैसे नखरे तो वो बोले कल आएंगे। अभी आज सबका डिमांड बढ़ गया है भाई। हाँ, और इसके लिए क्या रखा है तूने खास? क्या? कुछ इसके लिए स्पेशल खाना है ना कुछ रखा है? इसके लिए मेन खाना है ना कलिंगड़ का छिलका और गुदा, ये खिलाओ बकरा फटेगा। इससे जान बन जाती है, ये लोगों के लिए एक वो है कि तुम भी ये खिलाओ, बेस्ट तरीका ये। चलो ठीक है। हाँ ये देखो जेकी भी, देखो गुस्सा हो गया, इसको प्यार करे तो जेकी गुस्सा हो गया। तो मैं अभी आया हूँ नागपाड़े अपने दोस्त के पास, सोनू के पास आया हूँ। वो कुछ बकरियाँ और एक बोर बकरा है जो बच्चा है वो बेचना है, तो अभी बताएगा कितने में देना है तो मैं आप लोग को बताता हूँ। हाँ सोनू, कौन सा देना है बताओ? ये कौन सी है? ये बरबरी माटी है। कितने दांत पे? अभी कल ही लिया हूँ, ये 6 दांत पे इरफान भाई, और गाबन बकरी है। अच्छा गाबन है, नहीं हाइट बहुत शॉर्ट है ना? हाँ, बरबरी में इतनी आती है। यार कितने में देने का ये? ये अपन जोड़ा देंगे 20,000 रुपये में। 20,000? ये कौन सा बकरा है? बकरी ये नर है, बरबरा। ये तो अभी कितने कितने महीने का? ये वही ना 6-7 महीने का बच्चा है। हाँ 6-7 महीने का बच्चा है। दोनों 20 में देने का? हाँ दोनों दे देने। जिस किसी को भी चाहिए तो बोल देना, मैं नंबर इस पर लिख दूंगा, जिस किसी को चाहिए तो इन पर फ़ोन करके ले लो। और कौन सा है? ये बोल अपने पास बालाजी पैच में। ये अदन है? हाँ अदन बच्चा है, 8 महीने का बच्चा। 8 महीने का सिंह इसकी माशाल्लाह खड़ी सिंह का, और बालाजी पैच पूरा है। ये कितने में देने का? ये 20,000 रुपये में दे देंगे। 20,000 रुपये कम ज़्यादा हो जाएगा ना, है ना? जिसको भी चाहिए तो आप तुम्हारे कांटेक्ट कर लेवे ना। हाँ देख लो, माशाल्लाह अच्छे जानवर है, जिसको शौक करना हो तो ये ले सकता है। मैं आपको नंबर सेंड कर दूंगा इसका। नहीं तुम लाते कहाँ से हो यार इतने अच्छे से जानवर? हाँ ये तो है भाई, तो बात सही है, ये आदमी भरोसे हो तुम्हारे को दे देता है, है ना? बेच के दे दो, बेच के दे दो, तुम उसको पूरे ईमानदारी से काम कर लेते हो। अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो भी मुनाफा रहता है अपन अपना रख के दे देते हैं, है ना? किसको फंसाते नहीं, जो भी बिंदास बोल के दे देते हैं। ये जानवर है, जिस किसी को भी चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट करके ले सकते हो। और कुछ बोलना है? नहीं नहीं सर बस। जब भी मैं नज़ीर के पास आता हूँ तो मेरे को गुल्लर के ही पत्ते देता है, क्योंकि जो कि मेरा बकरा जो है ना बहुत नखरे से खाता है, और फनस के बकरे इतने प्यार से खाता है और वो मेरे को देता नहीं है। नज़ीर क्यों ऐसा करता है तू मेरा भाई? पत्ते मेरे को क्यों देता नहीं है ना? फनस का पत्ता वो जल्दी देता नहीं है, फल आया था तो। क्यों नहीं देता है? सबके पास तो रहता है, तुम लोग के पास क्यों नहीं रहता है? अरे झार वाला 500-600 रुपया मंगता है तो पत्ता कहाँ से आएगा? तो वो कैसा है, फनस का पत्ता कीमती होता है। अच्छा। उसमें फल उगता है और फल उगने से क्या है, सामने वाले का झार कट ही जाएगा, जल्दी सूख जाता है, ज्यादा कटवाते तो झाड़। तो तुम काटते हो? हाँ मैं भी काटता हूँ, भी तो लगता है। अच्छा तुम लोग चढ़ते तो डंडी लगता है? हाँ तुम लोग चढ़ते ऊपर तो चढ़ते नहीं, डर लगता है कि नहीं लगता है? तो फिर क्या है? नहीं पैसा मिलता है ना, है ना? हाँ ये बात है, इसके लिए पैसा मिलता है खास। हाँ
भाई क्या नाम है, कल तो फनस के देगा मेरा भाई। भाई मिलेगा तो दूंगा, नहीं मिलेगा तो नहीं दूंगा। कोशिश तो कर, देखो मेरे, देखो मेरे जानवर की दुआ लगेगी। 500-600 रुपए मांगते हैं, जाएंगे। अरे माँ जी पाला गेहूँ का ऐसा मतलब पट्टे वाले बोलते हैं, तो सामने वाला बोलता 500-600 रुपए दो तो पट्टा काटने मिलेगा, अगर नहीं दोगे तो ये तुम लोग का महंगा मिलता होगा ना। तो गिरा चिल्लाता होगा कि तुम लोग कम क्यों बांधते हो भाई। अरे वो बहुत ज्यादा महंगा आता है, वो 1200 रुपए एक बंडल आता है उसका। इसके लिए अभी आदमी 4-4 कांडी बेचेगा तो 100-200 रुपए कमाएगा। अगर 4 कांडी के ऊपर अगर पत्ता चला गया तो कमाना भी मुश्किल है। इसके लिए ये बाजार में फनस का पत्ता सबसे महंगा आता है। लेकिन लेकिन जानवर बहुत प्यार से खाते फनस। तो इसके अंदर क्या ना बारी बारी पिस्सू आते हैं, हाथ काटता है, सब काटते हैं। लेकिन इसमें पत्ते वाले क्या करे, मतलब अब महंगा चीज आएगा तो इंसान महंगा ही बेचेगा, सस्ता मिलेगा तो सस्ता बेचेगा। अभी तो मुझे सस्ता मिलेगा। अभी तो सीजन खत्म हो गया ना फैजन का नहीं अभी। अरे फनस तो साल के 12 महीना महंगा है, ये गुल्लर सस्ता आता है। चलो ठीक। तो गाइस मैंने वीडियो पूरी कम्प्लीट कर लिया, जैसे जैसे करके मैंने वीडियो को कम्प्लीट कर लिया। बनाने के लिए कुछ बचता ही नहीं है, रहता ही नहीं है, तो अभी क्या बनाऊँ मैं, उसके कुछ क्या बनाऊँ समझ में नहीं। तो जैसा ऐसा थोड़ा थोड़ा यहाँ से थोड़ा वहाँ से लेके ऐसा उसको पूरा कर दिया मैंने। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और ढेर सारा प्यार।